हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। और आज की योमा टीवी की वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं आए हैं पार्ट टू लेके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जापान के। इसके ऊपर पार्ट वन भी मैं बना चुकी हूँ, जो कि जिसके अंदर मैंने 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे रिलेटेड टू जापान, जो कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसके ज़रिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस बगैर देर किए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। नंबर वन पे जो हमारा फैक्ट है वो ये है कि आप सब लोगों ने ट्रेन्स में बहुत दफ़ा सफ़र किया होगा, और आप सबको पता है कि ट्रेन्स जो हैं वो पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं। इंडिया में एक ट्रेन के लेट होने की एवरेज जो है वो 53 मिनट्स है, जबकि पाकिस्तान में 2-3 घंटे भी एक ट्रेन जो है वो आराम से देर से आती है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है, जापान, अमेरिका में भी, जर्मनी में भी ये मसला जो है वो पाया जाता है। जर्मनी में एक ट्रेन जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है वो तकरीबन 6 मिनट तक डिले हो जाती है, और अमेरिका में एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है वो 49 मिनट्स तक डिले हो सकती है। लेकिन जापान के अंदर जो लेट ट्रेन होती है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप इसे कंसीडर करेंगे कि ये तो बिल्कुल लेट ही ना हुई, इसको ये लोग किस तरह से लेट कंसीडर कर रहे हैं। जापान में ट्रेन जो है वो अगर सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड्स के लिए डिले होती है, इस तरह कभी भी आज तक की ट्रेन डिले नहीं हुई। और अगर आप जो है वो इस ट्रेन के डिले होने से अपनी किसी ज़रूरी मीटिंग में या फिर ऑफिस में लेट पहुँचे तो रेलवे की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो कि आप अपने ऑफिस में और मीटिंग के दौरान यानी उसको दे सकते हैं। और इसका सारा कसूरवार जो है वो रेलवे जो है वो ठहराती है, और उस शख्स को कोई भी इसके वजह से डिफ़िकल्टी नहीं उठानी पड़ेगी। है ना, ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 के। आप सब लोगों को पता है कि वाटर शॉर्टेज जो है वो वर्ल्ड का इशू है, जिसकी वजह से इसको दूर करने के लिए बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट स्टेप्स उठा रही हैं, जिस तरह के हम लोग डैम्स बना रहे हैं। लेकिन जापान हमसे इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा आगे है। जापान जो है वो अपने वाटर को रीयूज़ कर रहा है, जिस पानी से वो हाथ धोते हैं उसी को इस तरह प्रिजर्व करके वाटर टैंक में डाला जाता है, जो कि फ्लश टैंक होता है। फ्लश टैंक के अंदर उसको डाला जाता है और वो वाटर फिर फ्लश करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह से ये एक पानी को 2 दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, पहले हाथ धोने के लिए और उसके बाद फिर फ्लश करने के लिए। अब हम बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 3 की। फैक्ट नंबर 3 ये है कि खाना खाते वक्त मुँह से आवाज़ आना बहुत ही बुरा मनाया जाता है। जो शख्स खाना खाते हुए मुँह से आवाज़ निकालता है उसको अच्छा नहीं समझा जाता हमारी कंट्रीज़ में, लेकिन जापान में ये बात बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप वहाँ पर नूडल्स खाते हुए मुँह से वो सूप की जो आवाज़ आती है वो ना निकले, तो शेफ़ को ये लगता है कि या तो खाना अच्छा नहीं बना या शेफ़ की बुराई की जा रही है। और आपको पता है कि जापान के अंदर लोग इस वॉइस को ज़्यादा निकालते हैं अगर उन्हें खाना पसंद आया हो और शेफ को जो है वो प्रेस करने के लिए। तो गाइस ये बात कितनी अजीब है कि हमारे यहाँ फूड साउंड को कितना बुरा माना जाता है और वहाँ पर इसको एप्रिसिएशन मानी जाती है कि खाना अच्छा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की, जो कि नंबर्स रिलेटेड है। आप लोगों को पता है कि जापान के लोग कलर्स में भी काफ़ी रखते हैं कि वो कुछ कलर्स को अनलकी कलर्स मानते हैं और उसको बिल्कुल भी नहीं पहनते, अवॉइड करते हैं। इस तरह से वो नंबर 4 डिजिट को अवॉइड करते हैं। नंबर 4 से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो इसको अनलकी मानते हैं। इवन के उनके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके अंदर भी टेबल जो है वो 3 या 6 रखे जाते हैं, 4 नहीं रखे जाते। किसी जगह पर अगर गेस्ट इन्वाइट किए जाएँ तो वो भी 4 से ज़्यादा इनवाइट किए जाते हैं या 4 से कम इनवाइट किए जाते हैं, 4 कभी भी इनवाइट नहीं किए जाते। इवन कि इनके बहुत सारे ऐसे एलिवेटर्स में 4 का बटन ही नहीं होता, यानी आप 4th फ्लोर पर जा ही नहीं सकते। सो गाइस अब हमारे आखिरी फैक्ट की बारी आती है, वो है हम सब लोग मेयोनीज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बर्गर्स में, अपने सैंडविच में, इवन के अपने फ्राइज के साथ भी हम उसको एज अ डिप सॉस जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मेयोनीज को जापान में किस तरह से यूज़ किया जाता है?
जापान ऐसी वाहिद कंट्री है जहां पर मेयोनेज़ को एज अ आइसक्रीम और पैनकेक टॉपिंग भी यूज़ किया जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग टेस्ट करता होगा मीठे के साथ कि हम उसको एज टॉपिंग खाएं। हाँ, वो डिप सॉस की तरह से बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर देता है, लेकिन इनकी डिफरेंट चॉइसेस हैं हमसे बहुत ज़्यादा हद तक। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि किटकैट वाटरमेलन, किटकैट सुशी, किटकैट ग्रीन ट्री फ्लेवर, ये सारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग किटकैट के फ्लेवर्स हैं जो कि जापान में पाए जाते हैं। तो गाइस, जापान हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्री है। आपको ये मेरी दोनों वीडियोस देख के अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।